हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ कि आप कैसे अपने एंसेस्टर्स से बातचीत करते हुए उनके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, कि कैसे आप कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो या एडवांस होपोनोपोनो अपने एंसेस्टर से बात करते हुए कर सकते हैं। अगर कोई आपसे मिस हैपनिंग हुई है या मिस ट्रीट हुआ है या आप उनको किसी चीज़ के लिए फॉरगिवनेस मांगनी है, तो बातचीत कैसे हुए करते हुए हम आज होपोनोपोनो चैंटिंग करेंगे। देखिए, जब हम किसी से बात करते हुए माफ़ी मांगते हैं या उनको थैंक यू बोलते हैं, तो उसका जो असर होता है ना, वो और भी ज़्यादा गहरा और भी ज़्यादा डीप हो जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वर्षा, आई एम अ सर्टिफाइड होपोनोपोनो हीलर एंड EFT कोच, एंड मैं अपने चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड होपोनोपोनो से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। तो कन्वर्सेशन होपोनोपोनो करने के लिए पहले आपको एकदम सीधे स्पाइन एकदम सीधे करके बैठ जाना है। देन उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है, दिल पे हाथ रखना है, आप हैंड ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो हीलिंग स्टार्ट करते हैं, कन्वर्सेशन होपोनोपोनो स्टार्ट करते हैं। सिट स्ट्रेट, टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ एक्सहेल, वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। हाथ जोड़ेंगे, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, अपनी हार्ट बीट को रिलैक्स कर देंगे, एकदम लाइट फील करेंगे। एंड अगर आपको किसी का फेस याद है तो उनका फेस याद करेंगे। जिन जिन के बारे में आपको नहीं पता है, उनको बस एक एनर्जी अज्यूम करके उनके लिए हीलिंग करेंगे। जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बताती हूँ कि हम सब सेम एनर्जी से बने हुए हैं, तो आप एक एनर्जी सर्कल बना लीजिए जिसमें जितने भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी जहाँ तक भी आपको याद आते हैं कि ये हैं आपके मम्मा की साइड में, आपके फादर की साइड में, जो भी जितने भी याद आ रहे हैं, सबको एक एनर्जी सर्कल में रख लीजिए। एंड मेरे साथ लाउडली रिपीट करिए, मैं आज 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ अपनी तरफ से, अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ से। डियर एंसेस्टर्स, आई एम रियली सॉरी अगर हमसे या मुझसे जाने अनजाने में आपके लिए कोई भूल हो गई हो, किसी भी चीज़ में अगर हमने आपको इग्नोर किया हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। Please forgive me, my dear ancestors. Please forgive my family members. अगर आपकी कभी वैल्यू ना की गई हो, आपको इम्पोर्टेंस ना दी गई हो इस प्रेजेंट लाइफ में, या मेरी जितनी भी पास्ट की लाइफ्स हैं, या मेरे फैमिली मेंबर्स की जितनी भी पास्ट की लाइफ में अगर हमने आपके साथ कोई भी मिसट्रीट किया है, आपको हर्ट किया है, तो उन सभी को और मुझे कृपया करके आज माफ़ी दे दीजिए। मैं आपसे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, अपनी तरफ से एंड अपनी फैमिली मेंबर्स की तरफ से। डियर एंसेस्टर्स, आई नो आप सब बहुत काइंड नेचर के हैं, बट एनी हाउ कभी कभार आप भी हर्ट होते हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो मुझे याद भी नहीं है या मेरे फैमिली मेंबर्स को भी याद नहीं है, सब चीज़ों के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। नाउ एक लंबी गहरी सांस लेंगे, एंड फील करेंगे कि आपके पास आप ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स ने आपको माफ़ कर दिया है। एंड नाउ आप स्माइल करके बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच डियर एंसेस्टर्स कि आपने आज ये रियलाइज़ करवा ही दिया है कि हमारे बड़े, हमारे पूर्वज,
हमारे जितने भी पितर होते हैं बहुत ही काइंड नेचर के होते हैं, इन्हें बस हमारे रिस्पेक्ट चाहिए और कुछ नहीं। एंड थैंक यू सो मच हमें माफ़ करने के लिए, थैंक यू सो मच अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर रखने के लिए। हालांकि मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आज मुझे रियलाइज़ हो गया है एंड मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आई लव यू, आई रियली लव यू। एंड मुझे और मेरी फैमिली मेम्बर्स को आपकी हमेशा ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की हमेशा ज़रूरत है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। डियर एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो। डियर एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो। डियर एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ, रब योर हैंड्स एवरीवन, एंड जितनी भी ये हैप्पीनेस है, जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी अभी आपने फील किया है, फील करके बोला है, ये सभी एनर्जी को आप अपने फेस पर, अपनी आईज पर टच कीजिए एंड स्लोली अपनी आंखें खोलिए। आप इसके बाद 108 टाइम चैंटिंग भी कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें जिसको भी आपको लगता है कि ये वीडियोस बड़ी यूज़फुल हो सकती हैं। एंड अगर आप मुझसे किसी प्रकार की हीलिंग लेना चाहते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या मनी से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन करिए एंड मुझसे डिस्कस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।